हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूं आपको Drupal 8। Drupal 8 में हम काम कर रहे हैं वेब फॉर्म मॉड्यूल पर। वेब फॉर्म मॉड्यूल में हमने चार पार्ट अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना देखेंगे फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे फ्लोटिंग एलिमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने वेब फॉर्म के अंदर। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फ्लोट एलिमेंट्स के लिए फ्रेंड्स स्ट्रक्चर पर जाएंगे, वेब फॉर्म पर क्लिक करेंगे, देन लास्ट में हमने जो अपना इंक्वायरी फॉर्म बनाया था बिल्ड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टैब में अपना फॉर्म ओपन कर लेते हैं, और फ्रेंड्स हम अपना एक बार फॉर्म देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो ये नेम आ रहा है और जो सेलेक्ट फॉर कॉन्टैक्ट आ रहा है, हम इसको अगर चाहते हैं कि नेम हमारा लेफ्ट में आए और इसके साथ में हमारा सेलेक्ट फॉर कॉन्टैक्ट आए, मीन्स राइट साइड में हमारा इस तरह से आए, तो इसको करने का तरीका हम देख लेते हैं फ्रेंड्स को कैसे करना है। तो हम जाएंगे अपने फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे फ्रेंड्स या तो हम ऐड लेआउट पे क्लिक करेंगे या फिर हम ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। पहले हम ऐड लेआउट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरह का ये आएगा, ऐड फ्लैक्स बॉक्स लेआउट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फ्लैक्स बॉक्स, तो देखिए वही चीज़ आई है, फ्लैक्स बॉक्स लेआउट। और ऐड एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो वही पॉपअप ओपन हुआ है जो हमारा ऐड लेआउट से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम नाम देंगे फ्रेंड्स, जैसे लेआउट _1। फ्रेंड्स देखिए, जो भी हमें नाम देना है वो हमें देना है _ के बिहाफ पे, मीन्स जैसे कि अगर आप कोई दो स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ माई और लेआउट, तो जो बीच में स्पेस है फ्रेंड्स, हमें इसमें स्पेस नहीं लेनी है, इसकी जगह पे हमें _ यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेआउट _1। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, नहीं तो आपको एक एरर शो होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, ये हमारा सेव हो गया फ्रेंड्स। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें टॉप पे, और इसके अंदर हम रखेंगे फ्रेंड्स नेम और सेलेक्ट फॉर कॉन्टैक्ट, ये दोनों हमने रख लिए हैं, और इसको सेव कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा सेव हो गया है, फॉर्म को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये लेफ्ट एंड राइट में आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि नेम आपका यहाँ पे छोटा हो जाए इसका बॉक्स, और आप चाहते हैं सेलेक्ट फॉर कॉन्टैक्ट का साइज बड़ा हो जाए यहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एडिट पे क्लिक, एंड फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स आइटम आ रहा है। तो फ्रेंड्स फ्लैक्स बॉक्स आइटम में आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 1 से लेके 12 तक की नंबरिंग दी हुई है, मींस क्या होता है कि इसमें 12 तक आप कॉलम ले सकते हैं, मींस ऐसे आप यहाँ पे 12 ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 12 तक चल सकते हैं। पर वो जब अगर आप 12 लेंगे तो उनका साइज छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए इसने 1 लिया हुआ है। तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे ईमेल ऐड करता हूँ, मैं इसमें ईमेल ऐड कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 के जो साइज़ हैं, इनका जो साइज़ है जैसे नेम और इन तीनों के साइज सेम कर देगा, मीन्स 12 है तो डिवाइडेड बाय हम इसको 3 करेंगे तो ये बन जाएंगे 4 4 के कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखिए रिफ्रेश हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स नेम आ गया है, सेलेक्ट आ गया है, देखिए यहाँ पे स्पेस आ रही है, तो ये इसने ऑलरेडी ईमेल के लिए ले लिया है। अब देखिए हम ईमेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया है, तो 3 कॉलम हमारे हो गए हैं मीन्स 12 के, तो 4 4 4 साइज हमारा ऑटोमेटिकली इसने नेम के लिए ले लिया, 4 हमारा इसने कॉन्टेक्ट के लिए ले लिया, और 4 हमारा इसने ईमेल के लिए ले लिया। तो इस तरह से फ्रेंड हम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनका साइज देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं इसका साइज 2 हो जाए या 3 हो जाए, और आप चाहते हैं कि ईमेल का साइज बड़ा हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे फ्रेंड्स, मैं ईमेल को हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाएगा फॉर्म हमारा अच्छा नहीं शो होगा, तो इसलिए मैं 2 ही फील्ड पे अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं एडिट पे क्लिक करते हैं,
और हम ले लेते हैं इसका साइज, इसका साइज ले लेते हैं हम फ्रेंड्स 4, इसको सेव कर देते हैं। और सेलेक्ट कॉन्टैक्ट का साइज फ्रेंड्स हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मीन्स हम इसका ले लेंगे 8। तो 8 प्लस 4 12 हो गया है। तो हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चलना है फ्रेंड्स, तभी आपका फॉर्म सही से आएगा। हम इसको 8 ले लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। फॉर्म को रिफ्रेश कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इसका साइज अपना छोटा हो गया है और इसका साइज बड़ा हो गया है एज कंपेयर टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 6 पे काम। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।